नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जल्द बजने वाली है डुगडुगी। निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनाव सीन। झारखंड निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक पदों के लिए स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चिन्ह ऐसे हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल को आवंटित नहीं है। पंचायत चुनाव में चुनिया से लेकर कान की बालियां तथा नेल कटर से लेकर पेंसिल शार्पनर आदि तक चुनाव चिन्ह अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जो अभ्यर्थियों को वर्णमाला के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। 24 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सभी पदों के चुनाव के लिए आवंटित किए जा सकेंगे। झारखंड के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। झारखंड मंत्रालय में 28 सितंबर 2021 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत विश्वविद्यालय के स्नातकों उत्तर विभागों एवं उससे जुड़े महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च 2022 तक करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 25 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर के मोजा दुमा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड रांची को निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की भी स्वीकृति दी गई। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में वाणिज्य कर विभाग से संबंधित बिंदुओं जैसे कंडिका 7.8 एवं 7.9 पर विभागीय अधिसूचनाओं के निर्गमन हेतु स्वीकृति दी गई। झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की स्वीकृति भी दी गई। खूंटी जिला अंतर्गत अंचल कारा मोजा जुर्दाग अंतर्निहित 2.34 एकड़ भूमि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु नवोदय विद्यालय समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के साथ निःशुल्क पूरक भू हस्तांतरण की स्वीकृति भी दी गई। राज्य में पायलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत पोषण युक्त चावल वितरण करने के लिए पोषण युक्त चावल स्कीम लागू करने के लिए भी प्रदेश PMU के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर विधेयक 2021 के झारखंड विधानसभा में स्वीकृति दी गई है। झारखंड में बच्चों को मिड डे मील में मिलेगा पोषण युक्त चावल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिया निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के बच्चों को मिड डे मील में अब पोषण युक्त चावल मिलेगा। केंद्र ने मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दोपहर के भोजन में फोर्टिफाइड चावल देने का निर्देश दिए हैं। स्कूलों के बंद रहने या स्कूल खुलने पर भोजन नहीं मिलने पर फोर्टिफाइड चावल बच्चों को सूखा राशन के रूप में भी दिया जा सकेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव RC मीना ने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को पत्र लिखकर केंद्र के मिड डे मील में फोर्टिफाइड चावल देने के इस निर्णय की जानकारी देते हुए इसे लागू करने के लिए कहा है। इसे लेकर उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय बनाने तथा फोर्टिफाइड चावल के लिए आवश्यक मैकेनिज्म विकसित करने के लिए कहा है। उन्होंने चावल को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रति किलो 73 पैसे योजना के तहत मिलने की भी जानकारी दी। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अभिभाषण में वर्ष 2024 तक जन वितरण प्रणाली एवं मिड डे मील में 100% फोर्टिफाइड चावल देने की घोषणा की है। झारखंड में कोरोना से 2 की मौत, एक्टिव केस 76, अब तक 5,135 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड के लिए बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटों में 21 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। वहीं राज्य भर में 11 नए मामले सामने आए, इसी के साथ एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 76 हो गई। कोरोना से धनबाद में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 1 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,135 पर पहुंच गया।
वहीं पिछले 24 घंटे में 12 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। झारखंड के 3 जिलों से कितने संक्रमित पाए गए हैं, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से एक भी नहीं, चतरा से एक भी नहीं, देवघर से एक, धनबाद से एक भी नहीं, दुमका से एक भी नहीं, पूर्वी सिंहभूम से 5, गढ़वा से एक भी नहीं और गिरिडीह से एक भी नहीं कोरोना संक्रमित मिले। वहीं गोड्डा में एक भी नहीं, गुमला से एक भी नहीं, हजारीबाग से एक भी नहीं, जामताड़ा से एक भी नहीं, खूंटी से एक भी नहीं, कोडरमा से एक भी नहीं, लातेहार से 0, लोहरदगा से 0 नए मामले सामने आए, पाकुड़ में 0, पलामू में 0, रामगढ़ में 0, रांची में 6 मामले सामने आए हैं, साहिबगंज में 0, सरायकेला में 0, सिमडेगा में 0 और पश्चिमी सिंहभूम में 0 कोरोना संक्रमित मिले हैं, यानी कि एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। झारखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी, आज और कल होगी भारी बारिश। सितंबर के आखिरी 2 दिन यानी 29 और 30 को धनबाद समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से 29 और 30 सितंबर को पूरे राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज गर्जन भी होंगे। 30 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधि में थोड़ी कमी आएगी, पर 2 अक्टूबर तक थम थम कर बारिश जारी रहने का अनुमान है। 29 सितंबर को उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। धनबाद समेत जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज में बुधवार को इन जिलों में गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। 30 सितंबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उस दिन राज्य के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश से निचले हिस्से में जल जमा होने और झोपड़ियां और कच्चे मकानों के टूटने का खतरा बना रहेगा। भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन सकती है। तेज हवा से बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर बनने की घोषणा से व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ी। झारखंड में सुगम होगा आयात और निर्यात। झारखंड की स्थापना के बाद से ही राज्य का व्यापारी और उद्यम वर्ग रांची, धनबाद और जमशेदपुर में सुगम आयात निर्यात और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की मांग कर रहा है। हालांकि अब व्यापारियों की ये मांग जल्द पूरी होगी। राज्य सरकार इसके लिए 113 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बारे में कई बार पहल की है। कोरोना संक्रमण से पहले रांची के सुकरहुट में 40 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी की गई थी, मगर कोरोना संक्रमण के कारण योजना लटक गई। धीरज तनेजा बने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष, 3 निर्दलीय भी जीते। धीरज तनेजा झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज देर शाम जारी परिणाम में उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया। 3 दिनों तक चले मतदान के बाद आज वोटों की गिनती हुई। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद विजयी पक्ष ने ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया। चुने गए सभी सदस्यों का फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया। धीरज तनेजा को 3 दिवसीय चुनाव में 1400 वोट प्राप्त हुए हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा वोट 1479 किशोर मंत्री को मिला। 21 सदस्यों की कार्यकारिणी में 18 सदस्य धीरज तनेजा ग्रुप और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।